बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस जोधपुर के लूणी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम आपके बीच में आपके अपने ही हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्मानीय गजेंद्र जी शेखावत साहब और इस लूणी विधानसभा के लोकप्रिय नेता और मेरे साथ कैबिनेट में मंत्री सम्मानीय जोगाराम जी पटेल साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सम्मानीय राजेंद्र गहलोत साहब, हमारे पाली के लोकप्रिय सांसद सम्मानीय पीपी चौधरी साहब, शेरगढ़ विधायक सम्मानीय बाबू सिंह जी राठौर साहब, हमारे विधायक देवेंद्र जोशी जी, पूर्व सांसद सम्मानीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई जी, पूर्व सांसद सम्मानीय नारायण जी पंचारिया साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई जगवीर छावा जी, प्रदेश मंत्री प्रियंका वालान जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र सालेजा जी, जगराम बिश्नोई जी, हमारे प्रदेश के मंत्री महेंद्र कुमावत जी और हमारी प्रधान श्रीमती अनुश्री पुनिया जी मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सामने विराजे मेरे पूजा योग बुजुर्गो, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का वो सपना है जो उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही देखा था। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना को लेकर के चलने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने लगातार 2014 से गरीब कल्याण की योजनाओं को प्रारंभ किया और आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन योजनाओं की समीक्षा होने का काम भी हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि उस गांव में दूर दराज झाड़ी में बैठा हुआ जो व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को मेरी योजना का एक एक लाभ मेरे उस गरीब भाई को, मेरे उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए भाई को मिलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता इसमें समीक्षा भी हो रही है कि हमारे उस व्यक्ति को लाभ किस तरह से मिला है, उसको लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि आपने पहले देखा होगा कांग्रेस के राज में कट चलता था, पूरी योजना का पैसा वहां तक उस गरीब तक पहुंच नहीं पाता था, उससे ही पहले उसमें कट लग जाता था। लेकिन आपने देखा होगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना पैसा सरकार से आता है लाभार्थी को उतना पूरे के पूरे मिलने का काम होता है। मैं जोधपुर किले में विराजी मां चामुंडा माता राता नाता के गणेश जी महाराज, पाल गांव में विराजे बालाजी को भी मैं नमन करता हूं। थार रेगिस्तान से घने परिदृश्य में स्थित जोधपुर अपने गौरवशाली इतिहास की महिमा
और अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। मैं इस जोग को मैं बड़े नजदीकी से रहा हूं, काफी लंबे समय तक मैं यहां संभाग का प्रभारी रहा, जोधपुर के हर चुनाव में भी मेरे को आने का मौका मिला, हर कार्यक्रम में भी आने का मौका मिला। मैं कह सकता हूं यहां के हमारे सभी भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं जिस तरह से अतिथि सत्कार के लिए हमारा ये जोधपुर प्रसिद्ध है, निश्चित रूप से आपने राजस्थान का गौरव बढ़ाने का काम किया है। यह राजसी महलों के भव्य किले के साथ साथ सदियों पुराने मंदिरों का बहुत बड़ा स्थान है, भारत में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। मेहरानगढ़ का किला हो, मंडोर हो, मेघ भवन पैलेस हो, जसवंत सिंह थड़ा या भैरवशाली विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जोधपुर अपने हस्त से उत्पादकों में प्रसिद्ध है। पहली बार दौरा बहुत अहम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, हस्तशिल्प 2024 का उद्घाटन भी करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें, साफ तौर पर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की उन्होंने संकल्प याद दिलाई कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार पीएम बने थे तो उन्होंने तभी यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि 2047 तक विकसित भारत का सपना वो पूरा करेंगे।